जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, गांव में जिस रास्ते से घुसेंगे वो सुभाष वर्मा के गेट के अंदर से ही गुजरना पड़ेगा, उनको कोई रास्ता बचा ही नहीं। इस तरह के गंभीर प्रकरण को जनहित में क्या कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए? लेकिन लगता है चोर चोर मौसेरे भाई, वो चोरी करें वो चुप रहेंगे, वो चोरी करेंगे वो। देखिए ऐसा है, जब बिना किसी बैठक में पारित किए 100 करोड़ के टेंडर कर लिए, उसके बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं। जंगल में कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। एक साल में अध्यक्ष को हटना है, और जितनी अनियमितता इन्होंने की है उसकी रिकवरी होगी। आपको ध्यान हो, पहले भी हुई है। जिला पंचायत हरिद्वार में भारी अनियमितताएं हैं लगातार, वहां नियम विपरीत कार्य हो रहा है और भाजपा सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष को बचाने का काम कर रही है, उक्त बात बसपा प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इसके साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि मांगी गई सूचनाओं के अनुसार जिला पंचायत में अब तक 100 करोड़ की अनियमितताएं हो चुकी हैं। उन्होंने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को आमने सामने बैठकर डिबेट करने की चेतावनी दी। सिविल लाइन स्थित एक होटल में मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसपा प्रदेश प्रभारी गयाचंद दिनकर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन मात्र 26 दिनों के कार्यकाल में जिला पंचायत में 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि पार्ट वन, जो कि पहले 26 दिनों में 60 करोड़ की अनियमितता जिला पंचायत में हुआ, जिसका खुलासा वह अपनी पत्रकार वार्ता में सबूतों के साथ कर चुके हैं। अब एक बार फिर 40 करोड़ के टेंडर नियम विपरीत किए गए हैं। इसके साथ ही अब हुए विकास कार्यों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता और अन्य पारिवारिक सदस्यों को प्रस्तावक बनाया गया है, जबकि एक्ट के अनुसार बोर्ड से बाहर का व्यक्ति प्रस्तावक नहीं हो सकता। सुभाष वर्मा ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को आमने सामने बैठकर डिबेट करने की चेतावनी दी, जिसमें वह सभी अनियमितताओं पर सवाल करेंगे और वर्तमान अध्यक्ष इसका जवाब दें। जो मीटिंग कराई गई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, तो उस प्रेस वार्ता में जिला पंचायत हरिद्वार में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बजट था, उसमें से 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता केवल 26 दिन में की गई। यह रिकॉर्ड है, मतलब वित्तीय अनियमितता का गैर कानूनी कार्यों के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया है जिला पंचायत ने। और ये जो देखरेख हुई है, सरकार की देखरेख में हुआ, सरकार के इशारे पर हुआ। ये इतना गंभीर प्रकरण जो 60 करोड़ से लेकर के आगे 100 करोड़ तक पहुंच गया, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। ना तो जिला पंचायत के घर का है, ना खेत का पैसा है, ना सरकार के घर का पैसा है। ये जो टैक्स पेयर हैं, गाढ़ी कमाई का जो पैसा इकट्ठा होता वो जन कल्याण में खर्च हो, तो जन कल्याण न करके स्वयं का कल्याण करने की कोशिश की गई। इस समय प्रदेश में सरकार डबल इंजन की है, भाजपा शासित उत्तराखंड है, विपक्ष में कांग्रेस की हुकूमत। इस तरह के गंभीर प्रकरण को जनहित में क्या कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए? लेकिन लगता है चोर चोर मौसेरे भाई, वो चोरी करें वो चुप रहेंगे, वो चोरी करेंगे वो चुप रहेंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने इस गंभीर प्रकरण को अपने हाथ में लिया है, और जब तक वाजिब कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक दोषियों को दंडित नहीं कर दिया जाता, जिन्होंने अपने दायित्व और कर्तव्यों के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने नियमों को ताक में रखा है, और जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना की है, ऐसे लोगों को जब तक दंडित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक बहुजन समाज पार्टी इस मामले को हाथ में रखेगी। और अंत तक कई दिन की चेतावनी हम दे रहे हैं कि जो नियमों के तहत, विधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार हैं यहाँ के कमिश्नर के, यहाँ शासन में बैठे हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, वे अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और यदि कोताही करते हैं तो फिर माननीय उच्च न्यायालय में तो मामला लंबित है। क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान मालिक है। इस बार जिला पंचायत भ्रष्टाचार में 100 करोड़ के पार, तो 100 करोड़ के पार जिला पंचायत गई है, उसी के उपलक्ष में हम लोगों को आपके बीच में फिर आना पड़ा। और यह भी मैं बताना चाहता हूं दावे के साथ कि पेपर एविडेंस है ये, इसको कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इसको हटा नहीं सकता। बचा तो सकते हैं कितने दिन, अगर सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो 6 महीने,
और अगर बचाएगी तो और 6 महीने, 1 साल में अध्यक्ष को हटना है और जितने अनियमितता इन्होंने की है उसकी रिकवरी होगी। आपको ध्यान हो पहले भी हुई है, यहाँ पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर करोड़ों की रिकवरी है और ये रिकवरी होगी 100% होगी। कब तक बचेगी? एक जांच समिति बनाएगी, अध्यक्ष जी आपके द्वारा बताया गया था, उनका क्या सही से जांच? जांच समिति जांच को सही रास्ते से भटकाने के लिए बनाई गई थी, फिर माननीय कोर्ट की उच्च न्यायालय के शरण में गए और वहां से आदेश हुआ, उस समिति पर रोक लगी और जो एक कानून के अंदर एक्ट के अनुसार ही जांच होगी और बचेंगे नहीं दोषी। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि भाई अगर वो ठीक है तो मेरे सामने आके बहस कर ले, तो एक बार बहस के लिए आपने कहा क्या कहना है? नहीं, मेरा तो आप लोगों से भी निवेदन ये है कि आप लोगों को मैं बार बार पूरे प्रमाण देता हूँ और आप ये पूछ के चले आते हैं कि आपका क्या कहना है, वो कहेंगे झूठ है। जब आप पे प्रमाण है मैं दे रहा हूँ, इनका फायदा क्या हुआ देने का? अगर आप वहां नहीं पूछते झूठ कैसे हो गया? ये 2 मीटिंग के पेपर है, 2 मीटिंग में 100 करोड़ के टेंडर पास कर लेना और जो 6 समितियां हैं उन 6 समितियों का निर्वाचन न करना, मनोनीत करना, इससे ज्यादा और अनियमितता क्या होगी? आमने सामने की मैं तैयार हूँ, आमने सामने के लिए आप बैठाइए तो आप लेकर आइए, मैं तैयार हूँ। मेरे पास सरकार के खिलाफ एविडेंस नहीं है, जिला पंचायत के खिलाफ एविडेंस है। जिस दिन सरकार के आएंगे, नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार इनको बचाने का प्रयास करती है तो सरकार भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। जितने भी निर्माण कराए जा रहे हैं जिला पंचायत के द्वारा हरिद्वार जिले में, सिर्फ कृषि क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, जो मुख्य द्वार हैं, जो सड़कें हैं गांव देहात की, उन पे जो कार्य नहीं कराए जा रहे, क्या मानते हैं कि पैसे को हजम करने का मामला है? देखिए ऐसा है, जब बिना किसी बैठक में पारित किए 100 करोड़ के टेंडर कर लिए, उसके बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं। जंगल में कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। 100 करोड़ के टेंडर 3 महीने में जिला पंचायत के पास कितना स्टाफ है जो देख लेगा, कौन क्वालिटी देखेगा उनकी, काम हुए या नहीं कौन देखेगा? और अभी मेरे पे मानकपुर से फोन आया अभी 26 तारीख में कि आपके बोर्ड उखाड़ कर ला रहे हैं, उन्हें पेंट करा के लगा रहे हैं। मैंने कहा बोर्ड कितने भी उखाड़ लो, जो काम मैंने किए हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता। दूसरी बात है जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, गांव में जिस रास्ते से घुसेंगे वो सुभाष वर्मा के गेट के अंदर से ही गुजरना पड़ेगा, उनको कोई रास्ता बचा ही नहीं है।